तो वेलकम ऑल कैसे हैं आप सभी लोग ठीक है so, सो आज जो है दोस्तों हमारा नया सेशन है 17 अक्टूबर है आज और हम नए सेशन के साथ हाज़िर हैं वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो भी गुड इवनिंग बोल रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को तनु जी आज तबीयत बिल्कुल सही है इसलिए मैं एक्चुअली फाइव पी का क्लास नहीं ले पाया था uh, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर ली जाए तो एच पी को हमने पोस्टपोन कर दिया है उसका लेक्चर हम कर लेंगे और कंप्यूटर का जो है फिर मैंने जो है पाँच बजे से हमें आज सात बजे कर लिया था ठीक है लेकिन क्लास जो है आपको पाँच बजे ही मिलेगी आगे से पाँच और सात बजे पाँच बजे हमारा कंप्यूटर रहता है एंड सात बजे हम जोक्टा बुक को कवर कर रहे हैं वन, वन बाय वन ठीक है लेक्चर बाय लेक्चर जो है उसमें आपकी बुक के अंदर जिस प्रकार से दिया गया है उसी टाइप से जो है हम उनको कवर कर रहे हैं गुड इवनिंग सभी को वेरी गुड इवनिंग हाँ नाग जी आ, क्लास जो है पाँच बजे ही होती थी लेकिन आज जो मैं नहीं ले पाया था कंप्यूटर क्लास तो सात बजे जो है जो कि आपकी एचपी के रहती है लेकिन आज जो है हम उसकी जगह कंप्यूटर क्लास लेंगे राइट आज बढ़िया है तबीयत अच्छी है आज तबीयत आज बहुत अच्छी है नमस्कार अभी जी अभी चौहान जी गॉड ब्लेस यू गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग सभी को सभी को गुड इवनिंग एक मिनट वेट करेंगे फिर सेशन को स्टार्ट कर देते हैं बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें क्योंकि बच्चे फिर बाद में कुछ पांच मिनट बाद जो है ज्वाइन करते हैं तो वो कुछ क्वेश्चंस जो है उनके मिस हो जाते हैं वहां पे स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर देना राइट वीडियो को स्टार्टिंग में ही कर दिया करो लाइक फिर बाद में बीच में जो है डिस्टर्ब होते हैं ना तो चलिए थोड़ा सा और वेट थर्टी सेकेंड का फिर स्टार्ट कर देते हम ठीक है गुड इवनिंग जी पूनम जी गुड इवनिंग तो थैंक यू वेरी मच जिसने भी ये जो है मुझे तनु जी ने सेंड किया था ये पेपर राइट right? तो जो भी अभी रिसेंटली आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पेपर हुआ है या फिर बाकी भी कोई पेपर हुए हैं जिसमें जीके का सेक्शन पूछा जाता है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं राइट right? जो मैंने ईमेल आईडी है मैंने आपको बताई है और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा राइट right? यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा ओके okay? यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा अगर किसी के पास अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ है आपका और वो जो है आप मुझे इस ईमेल पे भेज सकते हैं मैंने ईमेल आईडी शेयर कर दी है इस पर भेज दीजिएगा ओके थैंक यू जो है तनु जी आपने मुझे दो पेपर भेजे हैं तो अभी जो है हम इनको डिस्कस करेंगे उन्हीं में से क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं राइट राधे राधे सभी को राधे राधे चलिए दोस्तों अब स्टार्ट कर देते हैं राइट सेशन को स्टार्ट कर देते हैं ना आज जीके का क्लास नहीं हो पाएगा जीके का क्लास हम कर्ल करेंगे राइट हाँ जी हिट द लाइक बटन एंड सपोर्ट द चैनल बिल्कुल जी राइट आपकी तरफ से इतना सा सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं राधे राधे जी सभी को राधे राधे चलिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे और एक साथ में आप रफ नोटबुक ले लें राइट और कोशिश करना कि जो है अपना आ, सही से वो आप, आपको यहाँ पे करो चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक कॉड के साथ स्टार्ट करेंगे ए पी जे अब्दुल कलाम जी का ये कॉड है कि एक अच्छी पुस्तक जो होती है हज़ार दोस्तों के बराबर होती है और जबकि एक अच्छा दोस्त जो होता है एक लाइब्रेरी के बराबर होता है काफ़ी अच्छी बात है देखिए एक अच्छी पुस्तक जो है कहा जाता है कि हज़ार दोस्तों के बराबर है राइट और एक अच्छा दोस्त होना जिंदगी में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी लाइब्रेरी में कितनी भी किताबें हैं उसके बराबर होता है तो आप जो भी किताबें चुनते हैं चाहे वो किताबें हैं चाहे वो दोस्त है वो आपने सोच समझ के चुनना है राइट right? सो so, बोलते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत तो दोस्त भी जो आपके आसपास के लोग हैं उनको सही से चुनिएगा एंड एक और बात देखिए हम बोलते हैं ना कि एक आदमी की पर्सनैलिटी या पर्सन की जो पर्सनैलिटी है या थिंकिंग लेवल है उसका वो डिपेंड करता है उसके आस के जो पाँच लोग हैं उसका एवरेज बनता है वो इंसान जो आपके आसपास के कोई पांच लोग हैं आप बनोगे उसका एवरेज तो वाइसली चुनिएगा जो भी आपके आ, साथ में जो लोग रहते हैं या आपके फ्रेंड्स हैं राइट जो आपको जीवन में ऊपर लेके जाए ऊपर उठाए आपको मोटिवेट करें राइट चलिए इसी कोड के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे पहला जो क्वेश्चन है आ रहा है ये रहा इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो उसका प्रोसेस होता है हर एक प्रोसेस का क्या होता है हैज इट्स ऑन ओपन फाइल्स पेंडिंग अलार्म होता है सिग्नल होते हैं सिग्नल हैंडलर्स होते हैं एड्रेस स्पेस होता है ग्लोबल वेरिएबल्स होता है या फिर ऑल ऑफ दिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस में जो है क्या क्या इंक्लूड होता है फाइल्स पेंडिंग अलार्म सिग्नल सिग्नल हैंडलर्स एड्रेस स्पेस ग्लोबल वेरिएबल्स या फिर ऑल ऑफ दिज कभी भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता चलता है ना अगर ऑल ऑफ दिस जो है ऑप्शन में है तो 95 परसेंट चांसेस है कि वो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा ठीक है चलिए ऑप्शन डी 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 ओके ऑल बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी ओपन फाइल्स भी होंगी उसके प्रोसेस के अंदर अलार्म होंगे सिग्नल होंगे एड्रेस स्पेस होगा और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं राइट right? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इच प्रोसेस इट्स एड्रेस और सेक्शंस ईच प्रोसेस ऑफ फाइल्स which is opened by the process as well as pending alarm signals and various signal handlers okay so ye raha hamara pehla question ab chalte hain second question pe that is which is http web server Hypertext Transfer Protocol web server का जो है इनमें से आपको एग्जांपल बताना है कौन सा है ल्यूसिन Fedora, Perl and Apache। Hello विकी जी आंसर देने की कोशिश करेंगे एस वेब सर्वर इनमें से कौन सा है आपका गुड इवनिंग आंसर देने की कोशिश करें अपने आंसर लगाते चलना अपने नोटबुक में साइड में ओके ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अपाचे ओके अपाचे अपाचे कुछ फेडोरा भी बोल रहे हैं बीच में ओके राइट मैक्सिमम स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर करा है अपाचे इज ए वेब सर्वर एच वेब सर्वर है राइट right. फेडोरा क्या है आपका मैंने आपको बताया भी था कि ये लाइनेक्स का जो है एक वर्जन है एक डिस्ट्रीब्यूशन है पर्ल एक आपकी क्या है एक लैंग्वेज है पर्ल क्या है आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो देखो वेब सर्वर का काम क्या है आप ब्राउजर चलाते हैं क्रोम चलाते हैं फायरफॉक्स चलाते हैं सफारी या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर बीच में आपका हाइपर टेक्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल काम करता है जो कि आपके सर्वर जो होता है जैसे सर्वर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं नोड जी एस अपाचे सर्वर हो गया रेल सर्वर हो गया ये सर्वर से डेटा उठा के जो है आपके वेब ब्राउजर पे लेके आता है एच टी टी पी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल तो आपका जो डेटा पड़ा होता है वो कहाँ पे पड़ा होता है सर्वर के अंदर और ये सर्वर के एग्जाम्पल जो है आपको जरूर पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट ठीक है तो इस तरह से हमारा इंटरनेट कैसे काम करता है ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको याद रखना है राइट चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज तो ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट इसका आंसर था कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी कि लो लेवल लैंग्वेज यहां पे पूछी गई है बेसिक कबोल फोट्रैंड प्रोलॉग सी सी प्लस प्लस एंड असेंबली लैंग्वेज पिक्चर्स इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली स्कैन की गई हैं फोटोज हैं ठीक है इसलिए जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है आपका फोटो राइट right, आप ऐसा करो अपना जो क्वालिटी uh, रहती है सेटिंग में जाइए क्वालिटी को जो है सेवन ट्वेंटी पी पे चलाओ या फिर फोर एटी पी पे चलाओ पिक्सल्स पे ओके राइट मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर बिल्कुल सही दिया है दैट इज असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज हो गई और मशीन लैंग्वेज ये दोनों क्या है लो लेवल की लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो ये सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज मानी जाती है ठीक है कब की है सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है तो असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल लैंग्वेज यहां पे असेंबलर का यूज किया जाता है इसको ट्रांसलेट करने के लिए जिसमें जो है हम लैंग्वेज में निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं राइट right? बाकी की सारी जो है आपकी क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा और धुंधला हो चुका है वट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप प्रोग्राम चिप का जो है एक दूसरा नाम क्या है पहला ऑप्शन है रैम दूसरा बोलता है रोम थर्ड ऑप्शन है एल एस आई सी इसका फुल फॉर्म होता है एंड लास्ट वन इज पी रोम तो जो दूसरा नाम होता है प्रोग्राम्ड चिप का वो कौन सा होता है यहां पे पूछा जा रहा है प्रोग्राम्ड चिप दूसरा नाम प्रोग्राम्ड चिप का पी रोम पी रोम पी रोम बता रहे हैं ओके ऑप्शन नंबर बी बताया किसी ने सी भी आ रहा है डी बता रहे हैं स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोग्रामेबल नहीं होती प्रोग्रामड चिप जो है रोम को बोला जाता है नॉट पी रोम को रीड ओनली मेमोरी को ठीक है जो कि एक ही बार प्रोग्राम होते होके आती है जब आपका जो लैपटॉप या फिर कोई सिस्टम बनता है तो उसी समय जो है उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है रोम रोम पी रोम नहीं होगा रोम इसका आंसर होगा इसलिए वो कंफ्यूजन के लिए पी रोम भी वहां पर ऑप्शन में दिया था ठीक है पी रोम रोम एक ही होता है लेकिन ये प्रोग्रामेबल है इसमें एक जो है आप चेंजेस कर सकते हो ठीक है इसमें आप एक बार डेटा रिमूव कर सकते हो ये प्रोग्रामेबल है ये नॉन प्रोग्रामेबल है रोम जो होती है ये नॉन प्रोग्रामेबल है आंसर जो है रोम ही होगा अगर ऑप्शन दोनों आए हैं तो आंसर रोम ही होगा ध्यान देना वहां पे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली की एक्सेस को प्रतिबंधित करने के लिए सबसे सामान्य टूल कौन सा है तो रेस्ट्रिक्ट करना है एक्सेस को हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए कोई उसके लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं यूज़र लॉग इन पासवर्ड्स कंप्यूटर कीज एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर का चलिए पासवर्ड पासवर्ड ऑप्शन नंबर सी कुछ बी बता रहे हैं स्टूडेंट्स हाँ बी पासवर्ड ही एक्चुअली ओके वेरी गुड ऑप्शन बी पासवर्ड इज द राइट आंसर हम क्या लगाते हैं एक्सेस को रोकने के लिए हम पासवर्ड का यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा तो ये ऑप्शन है पासवर्ड ठीक है पासवर्ड इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइस बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछ रहा है कि माइक्रोप्रोसेसर जो है किस जनरेशन से जो है बिलोंग करते हैं विच जनरेशन किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं आपके क्या माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ विच जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था राइट right. इसका आंसर होगा फोर्थ जनरेशन ठीक है राइट फोर्थ जेनरेशन में माइक्रोप्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को वेरी लार्ज स्केल जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को थर्ड जनरेशन में जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट थे आईसी ठीक है तो मेन रूप से फोर्थ जनरेशन में माइक्रोफेस को यूज किया जाने लगा था ओके चलिए नेहा जी मैंने एक्चुअली मेरे पास एस पी यू का नहीं है मैंने जो आपकी अटल मेडिकल कॉलेज की है उसका जो पेपर था वो मैंने आपको शेयर कर दिया अभी अभी मैंने शेयर किया है आप जाके वहां पे इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं एस का जो है आपको इंटरनेट पे देखना पड़ेगा मेरे पास एस का नहीं है सॉरी मुझे मैंने मुझे लगा मेरे पास एस का है लेकिन मेरे पास अटल मेडिकल कॉलेज का था और वो मैंने पी जो है शेयर कर दिया है ठीक है आ, कोशिश करूँगा अगर मैं मेरे को इंटरनेट पे मिलता है आप भी कोशिश करें कि इंटरनेट पे मिल जाए तो अच्छी बात है काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपलोड किए होते हैं तो होपफुली जो है एस का भी जो है मिल जाए ठीक है चलो अगला क्वेश्चन पे चलेंगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से आपको बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाए गए होते हैं ठीक है ठीके? एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाए गए होते हैं क्या कौन सा इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है विंडोज एंटी पेजमेकर विनवर्ड एक्सपी फोटोशॉप सामने दिख रहा है आंसर सभी को पता होगा संदीप का सबसे पहले आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्की हेमंत तनु सचिन बबीता दिम्पी कार्तिक शानू अनु सन्नी सुनील बबीता हेमंत ममता वंदना ओके okay. चलिए बहुत अच्छे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है ठीक है जिसने ए बताया है आंसर बिल्कुल सही होगा विंडोज एंटी क्या है पता ही है आपको क्या है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज okay. एन क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है जैसे विंडोज एक्सपी है ओके विंडो एम ही है, है. वो भी क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है तो विंडोज एन जो है न्यू टेक्नोलॉजी को बोला गया ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है राइट right? चलिए अगला क्वेश्चन है विच टूल बार इज यूज टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड कौन से टूल बार का यूज किया जाएगा एम एस वर्ड के अंदर अगर हमने फ़ॉन्ट या फिर फ़ॉन्ट का साइज जो है वो चेंज करना है स्टैंडर्ड टूल बार फॉरमेटिंग टूल बार फॉन्ट टूल बार या फिर टेक्स्ट टूल बार आंसर देने की कोशिश करिएगा सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं विंडोज का वर्जन है मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया सॉरी ठीक है हा कई बार हो जाती है बोलने में गलती ठीक है सो हाँ ठीक विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है वैसे तो विंडोज <laughs> ऑपरेटिंग सिस्टम ही है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है तो ये वर्जन था उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम <laughs> वही तो मैं बोल रहा हूँ हेमंत जी विंडोज भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्होंने तो कंफ्यूज ही कर दिया यार <laughs> ओके चलिए <laughs> विंडोज को क्या समझते हो तुम लोग विंडोज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम तो है जैसे लाइनक्स है ठीक है एप्पल में दूसरा है एप्पल ओएस ठीक है तो इसका अलग है तो वो भी उसका एग्जाम्पल है विंडोज इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल चलिए अब इसका आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन आई थिंक आपने बताया वेरी गुड फॉर्मेटिंग टूल बार का हम इस्तेमाल करते हैं किसका फॉर्मेटिंग टूल बार का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फ़ोन फोन साइज को चेंज करना फ़ोन से रिलेटेड जितने भी बातें हैं जैसे कि आप अगर फोन का साइज चेंज करना है फोन का कलर चेंज करना है अगर टेक्स्ट को उसकी अलाइनमेंट करनी है बाकी ये सारी चीजें जो है वहां पे आप इंक्लूड कर सकते हो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर मैक ओ बिल्कुल मैक ओ है ना आयोस इज फॉर मोबाइल फोन आयोस जो है उनका मोबाइल के लिए आता है और मैक ओ जो है आपका लैपटॉप के लिए आता है राकेश जी क्लास इसलिए लेट है एक्चुअली मैंने आज एचपीजी की क्लास नहीं ली ठीक है जो पाँच बजे हमारी ये कंप्यूटर की होती है हमने एच पी की स्थान पर जो है उसको लिया है आज थोड़ा सा जो तबीयत थी मैंने सोचा कि ब्रेक ले लेते हैं राइट तो कल से जो है सेम ही टाइमिंग रहेगी पाँच बजे की ठीक है आज हमारी क्लास सात बजे कल से सेम टाइमिंग रहेगी 817 का जो रिजल्ट है दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली अगर एक नवंबर को फाइनल डिसीजन आ जाता है गवर्नमेंट का रिप्लाई दायर हो चुका है अगर तो फिर जो है आपका हो जाएगा काम फिर तो आ सकता है ठीक है उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर सोच लो तारीख पे तारीख चलेगी सन्नी देओल की तरह है ना जैसे वो बोलता है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है गवर्नमेंट चाहेगी तभी होगा ये काम राइट right. चलो अगला क्वेश्चन है पेंटियम इज रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर पेंटियम जो है कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है यहाँ पे आ, मैंने पिक्चर भी ऐड की है ताकि आपको आइडिया मिल जाए और इसके ऊपर इंटेल भी लिखा है तो इंटेल का हमारे पास क्या होता है इंटेल का हमारे पास क्या होते हैं गाइस हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होते हैं तो इंटेल पेंटियम जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का एक एग्जाम्पल है ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेंसी माइक्रोप्रोसेसर शिवानी सी कार्तिक सी 939 का टाइपिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली हाँ, दिसंबर में आ आ तो सकता है अगर नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाए तो हो सकता है माइक्रोप्रोसेसर बिल्कुल सही सी सी ऑप्शन सभी का सही है माइक्रोप्रोसेसर इज द राइट आंसर जो स्टूडेंट नए ज्वाइन करें हैं kindly please चैनल को सॉरी uh, चैनल को नहीं वीडियो को जरूर लाइक कर देना 74 स्टूडेंट्स आर वाचिंग एंड देर आर ओनली 43 लाइक्स इन द वीडियो गाइस प्लीज यार इतना तो सपोर्ट कर दिया करो कि आप वीडियो को लाइक कर दें ठीक है डेली आपके लिए क्लास रहती है तो इतना सा सपोर्ट तो बनता है यार हाँ जी बिल्कुल जो आपका पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल फोर जीरो जीरो फोर नाइनटीन सेवेंटी वन के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था राइट चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एटीएम नेटवर्क आर ऑटोमेटिक टैलर मशीन ए टी एम नेटवर्क जो है कनेक्शन लेस होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं ए टी एम नेटवर्क जो है आपके कनेक्शन लेस होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं या फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा थैंक यू एच पी नाइनटी सिक्स राइडर जी वेरी गुड गुड मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सही है दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ध्यान रखना एटीएम नेटवर्क आर कनेक्शन लेस ऑप्शन नंबर सी होगा आई थिंक कनेक्शन ओरिएंटेड ठीक है सी होगा ठीक है सी होगा कनेक्शन ओरिएंटेड होगा राइट right? सी होगा इसका आंसर ध्यान देना इसका आंसर सी है कनेक्शन ओरिएंटेड राइट चलो अगला क्वेश्चन है द इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इज नोन एज इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज में लाते हैं एस एम टी पी टिपी टीसीपीआईपी एन एन टीपी आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी राइट ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये हम इंटरनेट में यूज करते हैं जो हमारा ओएसआई होता है वो सिर्फ एक रेफरेंस की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता था जो मेनली जो यूज होता है प्रैक्टिकली टीसीपीआईपी मॉडल यूज होता है अगले क्वेश्चन पे चलेंगे द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डैश इन कॉम्पोजिशन तो देखो यहाँ पे भी देखो हर एक पेपर में जो है आपका कम्युनिकेशन मीडिया से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिकेशन मोड कौन सा है या फिर मीडिया कौन सा है जिसके थ्रू आप सेंड करेंगे अपने जो मैसेजेस को तो देखो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसका यहाँ पे क्या पूछ लिया गया स्ट्रक्चर इसकी केबल का स्ट्रक्चर कैसा है वो पूछ लिया गया इस पर क्वेश्चन राइट right? इसके साथ साथ इसके साथ साथ कौन कौन से आपके कनेक्टर्स जुड़े होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है जरूर ठीक है क्या क्या काम होता है किसका ये जरूर पढ़ के जाए तो ग्लास और प्लास्टिक लगा होता है कॉपर लगा होता है या फिर लिक्विड लगा होता है ओके ऑप्शन नंबर ए ए सभी का आंसर आ रहा है वेरी गुड गुड सभी का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए देखो यहाँ पे अगर आप इनर कोर देखेंगे ना इसका तो ग्लास का बना होता है ठीक है उसके ऊपर भी ग्लास की क्लैडिंग की हुई होती है देन ऊपर दो लेयर्स आपकी जो आती हैं वो दोनों प्लास्टिक की होती हैं आउटर जैकेट एंड जो बफर बीच में बनाया जाता है तो ये दो चीजों से बनता है एक तो आपका ग्लास है दूसरा आपका क्या प्लास्टिक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ठीक है राइट दो टाइप की होती हैं सिंगल मोड एंड मल्टी मोड याद रखिएगा इसको आपको एक मल्टी मोड एक सिंगल मोड दो टाइप की होती हैं राइट ठीक है ओके right? okay? चलिए बहुत अच्छे चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कॉपीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन इथरनेट टू अनदर ऐसी डिवाइस जो कि कॉपी करती है क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्रॉम वन इथरनेट टू अनदर इथरनेट तो मोस्टली क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है यहां से उठा के आगे उसको पास आउट करेगी या आगे देगी तो कौन सी डिवाइस है ब्रिज का रिपीटेड का रिपीटर का या फिर हब का या फिर पैसिव हब का यूज किया जाता है सुनील जी इतनी इंफॉर्मेशन याद मत रखो इनर कोर कितना डायमीटर होता है डायमीटर कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपको ठीक है सो फैक्टुअल इन्फॉर्मेशन याद रखो इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है वहां पे ब्रिज बता रहे हैं कुछ ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट का रिपीटर हम्म 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 बिल्कुल वेरी गुड दैट इज ऑप्शन नंबर बी रिपीटर का इस्तेमाल होता है ठीक है रिपीटर का इस्तेमाल होता है देखो रिपीटर क्या करता है रिपीटर इज डिवाइस दैट कॉपीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन इथरनेट टू अनदर अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रिसीव करती है सिग्नल्स को और उनको रीट्रांसमिट करती है ठीक है तो ताकि देखो रिपीटर का यूज़ तब होता है जब जब आपने एक्सटेंडेड ट्रांसमिशन करना हो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिग्नल जो है लंबे डिस्टेंस कवर कर पाए तब जो है आप रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सिग्नल भेज अगर आप भेजते हैं और उसका लंबा डिस्टेंस है उसको कवर करना है लंबा डिस्टेंस तो कुछ समय के बाद सिग्नल वीक होने लग पड़ता है तो अगर आप चाहते हैं कि सेम फ्रिक्वेंसी से वो सिग्नल जो है वो एंड तक पहुँचे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे तो बीच बीच में आपको क्या लगाने पड़ते हैं रिपीटर लगाने पड़ते हैं ठीक है, so, ये जो है रिपीटर का यूज होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऐसे बच्चे मरवाते हैं हम जैसे बच्चों को ज्यादा नंबर लेकर मैं समझा नहीं शानु जी आप क्या कहना चाह रहे हैं ठीक है चलिए राइट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यार और ये याद रखना ओएसआई मॉडल में कौन सा डिवाइस कहाँ पे किस लेयर पे काम करता है ठीक है सो दिस इज ए होमवर्क फॉर यू और ये आपने करके आना है ठीक है अगला देखते हैं क्वेश्चन द फोर बाइट आई पी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ तो उसमें नेटवर्क एड्रेस होता है और होस्ट एड्रेस होता है या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ दब चार बाइट का आई पी एड्रेस में क्या क्या आपको देखने को मिलता है नेटवर्क एड्रेस होस्ट एड्रेस बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ द बब आंसर देने की कोशिश करें गाइस नए स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करें हैं काइंडली वीडियो को लाइक कर दें राइट बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही आंसर बहुत ए एंड नेटवर्क एड्रेस भी होता है एंड होस्ट एड्रेस होता है लेकिन ये डिपेंड करता है कितना नेटवर्क uh, एड्रेस होगा होस्ट एड्रेस होगा ये क्लासेस पे डिपेंड करेगा किस क्लास का जो है आईपी एड्रेस है अब फोर बाइट का मतलब क्या है दोस्तों फोर बाइट ना देते हुए यहाँ पे ये, ये भी बोल सकता था बिट आई एड्रेस क्योंकि एक ही बात है uh, एक बाइट का जो है Uh, एक बाइट में कितने आठ बिट होते हैं ना तो वो यहां तो बिट में दे सकता था यहां पे उसने चार बाइट में दे दिया यानी कि बात हो रही है यहां पे आई पी एड्रेस एंड इट मीन फोर बाइट कंपोज ऑफ ए नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन ओके द साइज ऑफ द होस्ट एड्रेस एंड नेटवर्क एड्रेस डिपेंड्स अपॉन द क्लास ऑफ द एड्रेस राइट चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे विच टॉपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब अब देखो नेटवर्क टॉपोलॉजी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो टॉपोलॉजी अपने आप में एक जो है चैप्टर है टोपोलॉजी को जरूर करके जाना है तो टोपोलॉजी जिसमें हब का इस्तेमाल होता है वो किस टाइप की टॉपोलॉजी होती है मेस्ट टोपोलॉजी स्टार बस और रिंग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है किस टाइप की टॉपोलॉजी होती है जिसमें हब का इस्तेमाल होता है अनु ठाकुर सर जी कंप्यूटर सेक्शन सेवन पीएम ओके okay, ऐसा कर लेते हैं फिर या तो फिर देखिए अभी आपका जो है ऑलरेडी पाँच बजे का चल रहा है फिर काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगी कि जो पाँच बजे क्लास लगाते हैं या तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पाँच बजे आपका एच पी का कर दूँ और शाम वाला सेशन जो है वो मैं सात बजे का कर दूँ ठीक है अब मेजोरिटी देखो पॉलिटिक्स में भी क्या होता है अब सिक्सटी सिक्सटी एट सीटें हैं असेंबली सीट हिमाचल की तो जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे उसकी सरकार बनेगी तो आप भी मैं पोल करवा दूंगा ठीक है मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना वहाँ पे पोल करवा दूंगा साथ में यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोल करवा दूंगा वहाँ पे आप बता सकते हैं अपनी राय ठीक है चलिए यहाँ पे स्टार टपोलॉजी इसका आंसर होगा स्टार अपॉलॉजी में हब का यूज किया जाता है एज ए मिडल में ठीक है स्टार अपोलॉजी कुछ इस तरह से आपको दिखती है राइट ओके चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास द टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल सूट अ पोर्ट नंबर इज आइडेंटिफायर एट द टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल सूट में जो पोर्ट नंबर होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है नेटवर्क लेयर पे होता है या फिर फिजिकल लेयर पे होता है टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल मेनली कहां पे काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर एप्लीकेशन फिजिकल इसका जो पोर्ट नंबर है आंसर देने की कोशिश करें गाइस। हम्म 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 मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का ट्रांसपोर्ट लेयर पे बताया था प्रीवियस ईयर पेपर में डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया वहां पे क्या पूछ लिया गया लिफो के बारे में या फिर फिफो के बारे में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में पूछा था तो डेटा स्ट्रक्चर से भी चांसेस uh, हैं कि आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थेटिकल आपको कवर करना है बस ठीक है तो लीनियर ये तो बहुत ही बेसिक है एक लिनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है एक नॉन लिनियर लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है तो यहां पे उसको उसका एग्जाम्पल पूछ लिया गया लिस्ट क्यूज और ऑल ऑफ दीज लीनियर टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर होगा इनमें से डी ऑप्शन बता रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट ऑल ऑफ द अबब ओके फाइन बिल्कुल सही ऑल ऑफ द अबब इसका राइट right आंसर होगा ठीक है अगर मान लो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है किसी भी तरीके का तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन है तो उसका आंसर वही होगा राइट right? अब यहाँ पे देखो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है आपके दो टाइप के होते हैं एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है दूसरा नॉन लीनियर टाइप का होता है लीनियर स्ट्रक्चर में कौन से आते हैं एरे स्टैक्स क्यूज लिंक लिस्ट और नॉन लीनियर में आपका ग्राफ हो गया ट्रीज हो गए ये आपके नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स में आते हैं ठीक है सो so ये एग्जाम्पल्स हैं इनको याद रख लेना हो सकता है फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाए पूछ लिया जाए किसी भी तरीके से हाँ जी रितेंद्र जी लाइव वीडियो वो रहती है यूट्यूब पे ही रहती है ठीक है तो ये रिकॉर्डिंग भी बाद में जो बच्चे देख पाए देख, देखना चाहे तो बाद में भी देख सकते हैं नॉट एन इशू राइट हाँ ये अपलोड होती है यहां पे ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज एक ऐसी खासियत रैम मेमोरी की कौन सी लाक्षणिकता उसे स्थायी भंडारण के लिए अनुपयुक्त बनाती है तो कौन सी ऐसी खासियत है रैम मेमोरी की जो कि उसको सुटेबल नहीं बनाती कि वो परमानेंट स्टोरेज बने टू स्लो है इसलिए नहीं अनरिलायबल है इट इज वॉलेटाइल इट इज टू बल्कि सामने आंसर दिख रहा है प्लेलिस्ट लिस्ट विकी मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दी है टेलीग्राम पे ठीक है पूरे जियो ए टी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे जाके चेक करो वहां पे 180 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगे है ना तो वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं हम मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दैट दैट इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है इट इज वोलेटाइल इन नेचर इसलिए हम इसको परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर राइट क्योंकि अगर लाइट चली जाती है या फिर पावर ऑन ऑफ है हमारे पास तो जो भी डेटा होता है उस मेमरी के अंदर वो इरेज़ हो जाता है वो होती है आपकी वॉलेटाइल टाइप की नॉन वोलेटाइल जैसे सेकेंडरी मेमरी हो, होती है हमारी वो नॉन वो नॉन वोलेटाइल टाइप की होती हैं न हाँ जी पी डी एफ भी मिलती है टेलीग्राम पर ही पी डी एफ मिल जाती है ठीक है टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ओके ठीक है वो आपको कल मिल जाएगा फर्स्ट टाइम ज्वाइन योर चैनल नीलम जी थैंक यू शेयर करिए चैनल को अगर हो सके अपने फ्रेंड्स एंड एंड डर के साथ सर टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज आ, अम, अभी तो मैंने कंपाइल नहीं मैंने कभी कंपाइल ही नहीं की एक्चुअली कभी टेस्ट सीरीज मैंने बनाई नहीं इससे बेटर है कि आप जो है ना प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करो अगर आपने सिलेबस ख़त्म कर दिया है द बेस्ट थिंग इज कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए चाहे वो कंप्यूटर के हैं एच पी जी के के हों ज्योग्राफी हिस्ट्री के हों जो भी कोई भी एग्जाम अभी हुए हैं रिसेंट एक साल में 2022 के अंदर वो सभी को प्रैक्टिस कर लो ठीक है प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि उसमें हर एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है फिर सर्किट यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ डेटा इज यूज देखो ऐसे सर्किट में जिसमें एक बिट का डेटा स्टोर होता है एक बिट का डेटा स्टोर होता है वो कौन सा है रजिस्टर एनकोडर रिकॉर्डर और फ्लॉप एग्जाम्पल पूछ जो है आपको बताना है कि इसमें एक बिट का डेटा स्टोर होता है मंडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं समझा नहीं है आपका ओके मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं फ्लिप फ्लॉप और लैचेस बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप को हम लैचेस भी बोलते हैं वेरी गुड कार्तिक ने बताया और यहां पे आंसर जो है फ्लिप फ्लॉप होगा फ्लिप फ्लॉप में एक बिट का एक बिट तक का डेटा जो है हमारा स्टोर हो जाता है ठीक है राइट बहुत अच्छे राइट right? चलिए बढ़ते हैं आगे चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हरार सबसे नीचे मेमोरी हरारकी मैंने आपको पहले भी बताई थी मेमोरी फास्ट से स्लो राइट right? और ये सारी चीजें जो है आपको मैंने बताई थी मेमोरी हरारकी कैसे होती है तो यहां पे पूछ रहा है लोएस्ट लोएस्ट मीन सबसे नीचे वाला कैसे मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी रजिस्टर्स या फिर रैम ठीक है ऊपर कौन सा आएगा रजिस्टर आएगा सबसे ऊपर आपको बताना है सबसे नीचे इनमें से कौन सा आएगा ओके कैश मेमोरी ओके डी बी बी सेकेंडरी बता रहे हैं कुछ रजिस्टर बता रहे हैं मैंने अभी आपको बताया था गाइज वेरी गुड मैक्सिम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बी जिसने भी बोला है ना ऑप्शन नंबर बी वो सही है सेकेंडरी मेमोरी होगा अब इनमें से सेकेंडरी मेमोरी ही नीचे आएगा ना आपका सबसे ऊपर रजिस्टर्स होंगे उसके नीचे आपकी क्या कैशे मेमरी वगैरह आ जाएगी फिर आपकी क्या रैम आ जाएगी देन नीचे सेकेंडरी मेमरी आएगी तो हमारा यहाँ पे सबसे नीचे है सेकेंडरी मेमरी वाला ऑप्शन नंबर बी ठीक है हाईएस्ट मेमरी हर में होते हैं रजिस्टर्स याद रखिएगा सबसे फास्ट कैशे मेमरी एक्ट बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार कि कैशे मेमरी किन दो के बीच में एज ए बफर का काम करती है सीपीयू और रैम के बीच में रैम और रोम के बीच में सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में या फिर रन ऑफ दीस जल्दी से आंसर देंगे राइट right. हाँ मैराथन क्लास जरूर लूंगा ठीक है नवंबर में एग्जाम से पहले आपका मैराथन क्लास ले लूंगा ओके okay, ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम स्टूडेंट दे रहे हैं रैम एंड सीपीयू सीपीयू एंड रैम बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर सही है सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है आपकी कैशे मेमोरी ठीक है और इसको बोलते हैं हम बफर मेमोरी बफर मेमोरी ये जो मिसमैच होता है सीपीयू रैम के बीच में उसको फुलफिल करती है कैशे मेमोरी राइट याद रखिए। ठीक है तो कई बार क्या होता है ना कि जो प्रोग्राम्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम यूज हो रहे होते हैं वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं तो सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता रैम के साथ वो बीच में, बीच में में एज ए मीडिएटर्स आ जाती है है वहां से डेटा उठा लेता है फिर ओके चलो अगला जो क्वेश्चन है द सर्किट कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इंटू डेमल ठीक है तो डिजिटल सर्किट्स एक टॉपिक है मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन देखा था डिजिटल सर्किट से तो डिजिटल दिज, सर्किट्स पे भी नजर मार के जाना है एक टॉपिक है ये ओके तो डिजिटल सर्किट्स ऐसा कौन सा सर्किट है जो कि बाइनरी डेटा को डेसिमल में कन्वर्ट करके देता है एनकोडर मल्टीप्लेक्सर डिकोडर कोड कन्वर्टर राइट आंसर देने की कोशिश करें <clears throat> ओके ऑप्शन नंबर फोर डी बी सी डी कुछ बी बता रहे हैं कुछ सी ऑप्शन डी भी बता रहे हैं ओके वेरी गुड गाइस गुड मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऑप्शन सी डी को बताया है जो कि सही आंसर है कोड कन्वर्टर से हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं डी इसका सही आंसर होगा ठीक है डी इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट को और किस नाम से जाना जा सकता है बिट बाइट नंबर करेक्टर बाइनरी डिजिट बाइनरी डिजिट को किस और नाम से जाना जा सकता है बिट बाइट नंबर करेक्टर सी डी ए बिट बिट बी कुछ ए बता रहे हैं हम्म <laughs> हम्म हम्म सी राइट मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है दैट इज बिट ठीक है ये जो वन है ना ये क्या है बाइनरी डिजिट बिट इसको बिट बोलते हैं वन बिट के बराबर होता है बाइनरी डिजिट एक बिट के बराबर होता है अगले अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट ठीक है सो अगर मान लो आपने पेज पे कोई टेक्स्ट है प्रिंट किया हुआ ठीक है आपके पास पेज है ये जिसपे जो है टेक्स्ट प्रिंटेड है और उसको आपने इनपुट करना है ठीक है एक डिवाइस के थ्रू उसके जो टेक्स्ट है वो जो है इनपुट करवाने हैं तो कौन सी डिवाइस का यूज किया जाएगा ओ सी आर ओ एम आर एम आई सी आर नन ऑफ दीज हम्म ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं स्टूडेंट सी बता रहे हैं कोई हम्म गुड गुड बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सही है ओसीआर टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे ओसीआर का फॉर्म क्या होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओके ओ एम आर है ओ एम आर का इस्तेमाल कहां पे होता है दोस्तों जो आपकी मार्कशीट होती है जैसे आपके पेपर जो वैल्यूएट होते हैं ठीक है वो ओ एम आर शीट ही बोलते हैं ना उसको तो वो जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर से होता है एंड एम आई सी आर ये आपके जो बैंक के चेक होते हैं वहां पे इस्तेमाल किया जाता है ठीक है बैंकिंग में अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैग्नेटिक इंक मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ठीक है राइट तो ऑप्शन हमारा यहां पे सही आंसर होगा ए वाला एक बग का मीनिंग क्या होता है कंप्यूटर टर्मोलॉजी में बग क्या होता है दोस्तों एक लॉजिकल एरर होता है प्रोग्राम के अंदर या फिर डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन या फिर एक डिफिकल्ट सिंटेक्स एरर होता है प्रोग्राम के अंदर या फिर को। तो बग क्या होता है बग किसको बोला जाता है हां जी हाँ जी पिछले का आंसर बिल्कुल सही है आपका ओके ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दैट इज लॉजिकल एरर ओके 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 राइट 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 बिल्कुल बहुत अच्छे मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है याद रखना बग एक लॉजिकल एरर होता है जब आप लॉजिक गलत लगा देते हो ना आप अपने प्रोग्राम के अंदर राइट right, मान लो आपने कहीं पे ए प्लस बी करना था ठीक है ए की वैल्यू आपने कुछ पांच ली थी आपने b की वैल्यू सिक्स ली थी आपने इस दोनों के बीच में प्लस ऑपरेटर लगाना था लेकिन प्रोग्राम में आपने क्या किया प्लस की जगह माइनस लगा दिया है तो आउटपुट वहां पे क्या दे रहा है वो गलत दे रहा है तो वो आउटपुट जो आएगी वो लॉजिकल एरर होगा तो उसको हम बग बोलते हैं प्रोग्राम में बग आ गया ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दैट इज ए लॉजिकल एरर अगले पे चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंपाइलर जो है किस टाइप के एरर को पॉइंट आउट कर देता है कंपाइलर द्वारा जो त्रुटियां इंगित की जा सकती हैं क्या कहलाती हैं त्रुटियां ठीक है एरर्स कंपाइलर किस टाइप के एरर को बताता है दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है सिंटेक्स एरर लॉजिकल एरर सिमेंटिक एरर या फिर नन ऑफ द above हां जी लॉजिकल एरर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बताता है बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नंबर ए कुछ बी भी बता रहे हैं बीच में सी भी बता रहे हैं बी भी बता रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ए बता रहे हैं कुछ सीमेंटिक एरर को बता रहे हैं जिसने भी चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है दोस्त हु आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज लाइक दिस वीडियो गाइस इस वीडियो को लाइक like जरूर करें मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है दैट इज सिंटेक्स एरर सिंटेक्स के अंदर अगर आप एरर कर देते हैं तब वो जो है कंपाइलर वो पकड़ता है प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल ऑल सिंटेक्स एरर आर कनेक्टेड। जब तक आप इन एरर्स को करेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका कंपाइलर काम नहीं करेगा आउटपुट नहीं देगा सिंटेक्स इन राइटिंग सिंटेक्स इज द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग इट्स मेनली अ ग्रामेटिकल फंक्शन इन्वॉल्विंग करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटेक्स होता है मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी सी लैंग्वेज में तो उसमें क्या होता है एंड में हमें सेमिकोलन लगाना होता है तो मैंने मान लो वहां पर नहीं लगाया सेमिकोलन ठीक है या फिर हम जैसे लिखते हैं वर्ड मेन लिखते हैं या फिर इस तरह की जो चीज़ें लिखते हैं ना हमने डिफाइन किया एजिकल टू बी जैसे लिखते हैं सिंटेक्स होता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो वो मैंने अगर नहीं लगाया है तब वो जो है सिंटेक्स एरर माना जाता है और लॉजिक एरर आपको पता चल गया जब हम इन जो है वैल्यूज गलत दे देते हैं प्रोग्राम के अंदर लॉजिक गलत लगा देते हैं तो वो लॉजिकल एरर होता है एरर जो कि एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है ठीक है उसको उसमें गलती करते हैं जिसको हम ग्रामेटिकल जो है एरर भी बोलते हैं ठीक है ध्यान रखना कई बार एग्जामिनर ये भी दे, दे देता है ग्रामर एरर है ना तो सिंटेक्स एरर एक ग्रामेटिकल एरर ही होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर इनमें से आपको बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं होता मैग्नेटिक टेप प्रिंटर वीडियो टर्मिनल असेंबलर हार्डवेयर नहीं है वो बताना है सिंपल क्वेश्चन है पूछा जा चुका है एग्जाम्स में ओके ए ऑप्शन आ गया अंकिता गोस्वामी डी डी बता रहे हैं कुछ सी बता रहे हैं स्टूडेंट्स हम्म 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 बिल्कुल 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 बढ़िया सभी का आंसर सही है दैट इज असेंबलर असेंबलर क्या है दोस्तों असेंबलर एक ट्रांसलेटर है नॉट ए हार्डवेयर बाकी सारे हार्डवेयर के एग्जाम्पल है मैं टेप हो गया, प्रिंटर हो गया वीडियो टर्मिनल हो गया वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट ओके जो आपका मॉनिटर होता है ठीक है बढ़िया सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज इन बाइनरी नंबर सिस्टम अ डिजिट रेंजेस फॉर्म वेरी सिंपल क्वेश्चन बेसिक क्लियर है अगर आपके इजी आंसर दे पाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट होता है वो उनकी रेंज क्या होती है जीरो से नौ होती है जीरो टू वन होता है जीरो टू फिफ्टीन होता है या फिर जीरो टू सेवन होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में पूछा गया है ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा हाँ जी विजुअल डिस्प्ले यूनिट पिछले का आंसर बिल्कुल सही था आपका हाँ जी असेंबलर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है बिल्कुल ओके बी बी क्वेश्चन ओके जीरो, वन, जीरो बिल्कुल सही जीरो वन्स जो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है अगर जीरो टू नाइन यहाँ पे दिया गया है तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे बात हो रही है किसकी डेसिमल नंबर सिस्टम की डेसिमल नंबर सिस्टम की जीरो टू नाइन होता है जीरो टू फिफ्टीन किसका होता है आपका हैक्सा डेसीमल हेक्सा का और जीरो टू सेवन किसका होता है ये हमारा ऑक्टल का ये हमारा ऑक्टल का होता है ओके लेकिन हेक्सा को हम जीरो टू फिफ्टीन नहीं लिखते जीरो टू नाइन हम सेम लिख देते हैं जैसे डेसिमल में होता है फिर टेन को हम ए कर देते हैं इलेवन को बी कर देते हैं और ट्वेल्व को सी थर्टीन को डी फोर्टीन को ए बी सी डी ई फिर एफ फाइनल एफ इस तरह से जो है बाकी के डिजिट हेक्सा डेसीमल में लिखे जाते हैं ठीक है चलिए बढ़िया बिल्कुल सही चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का एस्काई कोड जो होता है इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मोर देन डैश करेक्टर कितने करेक्टर से ज्यादा जो है चाहिए होते हैं टू तो रिप्रेजेंट द एस्काई कोड कितने से ज्यादा करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एस्काई कोड लास्ट क्वेश्चन नहीं है बाय द वे इट मस्ट बी द इट माइट बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन ओके लास्ट नहीं है ये क्वेश्चन ओके okay? और भी है क्वेश्चन ओके सिक्सटीन सिक्सटी फोर कुछ सिक्सटी फोर बता रहे हैं कुछ थर्टी टू बता रहे हैं ऑप्शन कुछ एट भी बता रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर सिक्सटी फोर होगा यहाँ पे राइट right? तो चौसठ से ज्यादा करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्काई कोड का यूज किया जाता है अब यहां पे देखो एक होता है एबीसीडीआईसी और एक होता है स्काई कोड इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना ईबीसी e, डीआईसी का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और एस्काई को क्या बोलते हैं हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज राइट दोनों का फुल फॉर्म याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर एस्काई की बात करें ये 128 ट्वेंटी एट करेक्टर्स तक का रिप्रेजेंट करता है वन ट्वेंटी एट करेक्टर्स और ई बी सी डी आई सी को जो अगर हम बात करें तो आई बी एम बेस सिस्टम में इसका यूज होता है और टू फिफ्टी सिक्स करेक्टर्स तक का जो है यहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं राइट तो दोनों का फुल फॉर्म और क्या काम है याद रखना थोड़ा सा ओवरव्यू ठीक है और ये जो होता है ये एट बिट का होता है और ये आ, ये जो एस्काई है ये सेवन बिट का कोड होता है अगला क्वेश्चन पे चलेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज सॉफ्टवेयर चाहिए टू रन हार्डवेयर अपने कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसको चलाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज पड़ता है डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम मैनेजर टास्क बार या फिर टास्क मैनेजर टू रन द हार्डवेयर वी नीड ए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को किस रूप में जाना जाता है इसका राइट आंसर बताइए राइट ओके मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं राइट ओके मैक्सिमम स्टूडेंट डिवाइस ड्राइवर को जो है आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही डिवाइस ड्राइवर जो है हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं अगर मान लो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर ऑप्शन में नहीं होता तब क्या आंसर होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर नहीं होता तब क्या आंसर होता हमारा हार्डवेयर को रन करने के लिए <coughs> तो आपको जरूर वो ओएस देता ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर देता बिल्कुल सचिन ने आंसर दे दिया वेरी गुड अंकिता गुड जसवाल गेमिंग ममता ये खान उपासना बिल्कुल वेरी गुड स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वो जरूर देता ऑप्शन में तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे डिवाइस ड्राइवर हो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वहाँ पे आंसर उस प्रकार का आपको लगाना है ठीक है बिल्कुल बढ़िया राइट सभी का सही है ओके चलिए सो so, दोस्तों ये था आज का लेक्चर एंड हमने 30 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आज हमने एम टाइप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो 2022 में पूछे जा चुके हैं एंड इसी तरह से हम सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन को टिल योर एग्जामिनेशन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी एंड बाकी जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना नए स्टूडेंट आज जुड़े हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जो भी आ, अभी अभी जुड़े हैं ठीक है ठीके? बाकी हम कल मिलेंगे फिर पाँच बजे नए सेशन के साथ एंड सात बजे जो शाम को रहेगा हमारा एचपी जी के का रहेगा ठीक है थैंक यू विकी जी वेलकम अनीता जी वेरी गुड सचिन थर्टी आउट ऑफ थर्टी आज आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया वेरी गुड वेलकम उपासना जी वेलकम हरप्रीत वेलकम हरप्रीत ओके चलिए क्लोज करते हैं पीडीएफ आपको सुबह मिल जाएगा इसका ठीक है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बार बार बोलता हूँ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और साथ ही साथ फेसबुक पेज भी लाइक कर देना ठीक है चलिए थैंक यू ओके वेलकम वेलकम ठीक है मिलते हैं दोस्तों फिर कल नए लेक्चर में हाँ जी सेवन पी जो रहेगा वो आपका एस के ही रहेगा ठीक है चलिए वेलकम सभी को ठीक है इसी तरह से तैयारी करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी मिलते हैं फिर कल नए लेक्चर में